दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों में धोनी की लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। धोनी भारत के ही नहीं लेकिन दुनिया के लोकप्रिय खिलाड़ियों में से एक है। 41 साल के धोनी मैदान पर उतने ही फिट है जितना कोई युवा खिलाड़ी होता है। हाल ही में हुए आईपीएल के प्रथम मैच में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो हार कर भी जीत जाए उसे धोनी कहते हैं। आईपीएल का प्रथम मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। यह ग्राउंड गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड था, लेकिन करीब 75% लोग धोनी को सपोर्ट कर रहे थे। इस मैच के बीच जब धोनी चोटिल हुए तब ऐसा लगा कि अब धोनी मैदान छोड़कर बाहर चले जाएंगे, लेकिन चोटिल होने के बाद भी वह मैदान पर मुस्कुराते रहे और अपनी टीम का नेतृत्व करते रहे। दरअसल मैच के 19वें ओवर में दीपक चाहर राहुल तेवकिया को गेंदबाजी कर रहे थे, तब 19 ओवर की दूसरी गेंद लेग स्टंप के बाहर डाली गई, जो बैट्समैन के जूते को छूकर थर्ड मैन की ओर जा रही थी। इसी बीच विकेटकीपर धोनी ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की। इसी डाइव लगाने में धोनी के पैर का पंजा मुड़ गया और धोनी दर्द से कराह उठे। मैदान पर तुरंत ही फिजियो को भी बुलाया गया, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा था कि धोनी को दर्द कम नहीं हुआ है। धोनी कुछ देर तक अपने हाथों को घुटनों पर रखे बैठे रहे, लेकिन थोड़ी ही देर में वह उठ गए और मुस्कुराते हुए कप्तानी करने लगे। दोस्तों, यह मैच तो जरूर गुजरात टाइटंस ने जीता, लेकिन फैंस का दिल तो धोनी ने ही जीता। अब धोनी की चोट कितनी गंभीर है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फैंस तो यही प्रार्थना करेंगे कि अगले मैच में धोनी फिर से मैदान पर खेलते हुए नजर आए और दर्शकों को एंटरटेन करें।